नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूँ इस टेक्निकल चैनल में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एटीएम से बिना बैंक ब्रांच जाए आप किस तरीके से चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं और चेकबुक कितने दिन में आती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एटीएम। सबसे पहले आपको अपना कार्ड एटीएम में लगा देना है। एटीएम में जैसे हम कार्ड लगाते हैं, कार्ड प्लेस करने के बाद आपको वेट करना है और इसको आपको कोई भी आपका मतलब चिप कार्ड निकालना नहीं है, ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा। इसके बाद आपको जैसे ही आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी नंबर प्रेस कर दीजिए और यस पे क्लिक कर दीजिए और आप पिन अपना पिन डाल दीजिए, जो भी आपका पिन है आप पिन डाल दीजिए। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर्विस का ऑप्शन, सर्विस का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको चेकबुक रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जी हाँ, यहाँ पर चेकबुक रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यस पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि बेयरर और ऑर्डर, उस पर क्लिक करने के बाद आपको लीव्स देखना 25, 30, 50 आपको कितनी चाहिए। 25 तो 25 पे क्लिक कर दो, 50 तो 50 पे क्लिक कर दो। फिर इसके बाद आपको पैसा कट होना है कहाँ से, सेविंग से कि करंट से, आपको कौन से खाते से चाहिए तो सेविंग जो भी चाहिए उस पर क्लिक कर दो, पैसा आएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इसी तरीके से आपकी बुक हो जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें और लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरह के हम हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।